हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट आकाश, और आज की वीडियो के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लॉग अकाउंट का जो प्रॉब्लम है उसमें अगर आपका रियल गेट स्टार्ट जाता हो और वहाँ पे जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे नंबर का ऑप्शन, मेल का ऑप्शन, प्रूफ का ऑप्शन, इस सब ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप किस तरीके से इस ऑप्शन को चेंज करके आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर सकते हो और अपने अकाउंट को डेट ऑफ बर्थ पुट करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि रियल गेट स्टार्ट के ऑप्शन से आप किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन लाओगे और आपको रियल डेट ऑफ बर्थ डाल के ओपन करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलत डालते हो ना तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता डेट ऑफ बर्थ और आपका अकाउंट जो है वो अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी माइंड में आपको कंफ्यूजन है कि ये डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है वो हो सकता है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एरर बता देगा वहाँ पे। ठीक है, अगर आपका रियल डेट ऑफ बर्थ याद है तो आप पुट करके इजीली ओपन कर सकते हो अकाउंट को। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलते हैं ट्रिक की तरफ। लेट्स सी, सबसे पहले देखो क्या करना है आपको। आपको कोई भी ब्राउजर में अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ इस अकाउंट को, और ध्यान रखना कि रियल गेट स्टार्टेड होगा तभी आपका जो अकाउंट है, जो ट्रिक है वो वर्क करेगा डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो रियल गेट स्टार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक दिख रहा है और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे है। ठीक है, अगर लर्न मोर वाला सीन है तो फिर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल गेट स्टार्ट पे वर्क करेगा ये। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो लिंक ना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करोगे तो अगर क्रोम ब्राउजर है तो आपको डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन आ जाता है, लिंक पूरे शो होने लगते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कीवी ब्राउजर है तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देता है लिंक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी देखो हमारा दिख गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे कट कर देना। मैं आपको बता दिया कि कीवी ब्राउजर में किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सारे को जो लिंक यू आर लोग उसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे लिखना है d.facebook.com इस तरीके से। ठीक है, ये दो हम लिखना, उसके बाद सर्च कर देना है आपको। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस चेंज हो जाएगा हमारे लॉग्ड अकाउंट का, और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया हमने, अब क्या करना है, कंफर्म दैट दिस इज योर अकाउंट इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा आ गया कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन, बस यहीं पे आपको रुक जाना है। ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में जो लिंक है ना इसको क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है। एडिट तो हमारा हो नहीं रहा है तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद सबसे आगे में आ जाना है आपको, सबसे स्टार्टिंग में वहाँ पे एक चीज़ लिखा होगा उसको आपको एडिट करके और जो मैं बताऊँगा वहाँ पे बस उसको लगा देना है, तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन जो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या चीज़, किस चीज़ को हटाना है और क्या चीज़ लगाना है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में आओगे तो यहाँ पे d.facebook.com चेक पॉइंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो 15 डिजिट का कोड देखने को मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा चैलेंज चूजर। ठीक है, इस चैलेंज चूजर को क्या करना है, हटाना है बस आपको। चैलेंज चूजर जो लगेगा, चैलेंज चूजर को पूरा हटा देना है आपको और यहाँ पे लिखना है BC। ठीक है, BC बस लगा देना है आपको। जैसे ही BC लगा के आप जब सर्च करते हो तो हमारा डायरेक्ट जो है वो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्च करता हूँ मैं जैसे ही, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि बता रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है, 23/11/2007। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त, ठीक है, तो आपको लगा 3 अगस्त 2000 है तो आपको कैसे लगाना है डेट ऑफ बर्थ को, 03/08/2000 इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लगाना और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो। एरर आता है अगर समझो कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है सी अदर ऑप्शन का, अगर इस पर क्लिक करते हो आप तो आपको देखो फिर से, आप अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा तो यहाँ से फिर से कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे आप प्रूफ अपलोड कर सकते हो। तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आप प्रूफ भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन जो है वो आ गया है। कैसे आ गया मैंने आपको बताया और वीडियो करके दिखाया है, तो इस तरीके से आप कर रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट है वो मैंने बताया कि जैसे मान लो आपका 1 जनवरी 1997 है तो देखो 01/01/1997 इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि 1/1/9 में एरर बता देगा वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन ला सकते हो और किस फॉर्मेट में आपको पुट करना है डेट ऑफ बर्थ को। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।